Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Pakistan, in order for them to take action to undermine the support the Taliban receives and other terrorist organizations receive in Pakistan. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और हजारों शहादतें फिर नजरअंदाज. अमरीका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों से मशरूत कर दिया. अमरीकी वजीर खारजा का इस्लामाबाद पहुंचने से कबल फिर डू मोर का मुतालबा. कहते हैं पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के लिए किरदार अदा करना होगा. खित्ते में अमन पाकिस्तान के मफाद में है. Undermine the support that the Taliban receives and other terrorist organizations receive in Pakistan. As we said in this whole strategy, this is a conditions-based approach, and so our relationship with Pakistan will also be conditions-based. It'll be based upon whether they take action that we feel is necessary to move the process forward of both creating the opportunity for reconciliation and peace in Afghanistan. रेक्स टिलरसन आज अफगानिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचेंगे. नई अमरीकी पॉलिसी के तनाजुर में अहम मुलाकातें करेंगे. अफगान सदर अशरफ गनी अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात के बाद नई दिल्ली पहुंच गए. भारतीय रहनुमाओं से मुलाकात में अफगानिस्तान में दहशतगर्दी समेत कयाम अमन पर तबादला ख्याल करेंगे. निश्चय शर्मा जम्मू काश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकल पार्टी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और व्यक्तियों के साथ बातचीत प्रारंभ. कश्मीरियों की तहरीक आजादी की नई लहर ने भारत के होश ठिकाने लगा दिए. मोदी सरकार हुर्रियत रहनुमाओं से मुजाकिरात के लिए तैयार हो गई. भारतीय वजीर दाखला राजनाथ सिंह कहते हैं हुर्रियत रहनुमाओं समेत मकबूजा कश्मीर की तमाम जमातों से बातचीत होगी. इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक चीफ मुजाकिरात कार मुकर्रर. महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का भारतीय हुकूमत के फैसले का खैर मकदम. महकमे इत्तलात सिंध में पौने 6 अरब रुपए करप्शन का इल्जाम. गिरफ्तार मुलजिम शर्जील मेमन को एहतसाब अदालत में कुछ देर बाद पेश किया जाएगा. पीपल्स पार्टी के रहनुमा एहतसाब अदालत पहुंचना शुरू हो गए. शर्जील मेमन पाकिस्तान से बाहर से वापस आए एक अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम का सामना करने के लिए. और ये भी एक अजीब बात है कि नवाज शरीफ की पूरी फैमिली के खिलाफ रेफरेंसेस जो जितने अदालतों में केसेस चल रहे हैं जी, लेकिन उनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया. दबाव डालने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं. शर्जील मेमन को भी दबाव में लेने की कोशिशें की जा रही हैं. पीपी रहनुमा सईद गनी की आज न्यूज से गुफ्तगू. कहा अदालतों में पेशियां कोई नई बात नहीं. आसिफ अली जरदारी और डॉक्टर आसिम भी अदालतों का सामना करते रहे हैं. कराची में खवातीन पर चाकू से हमले की वारदातें रुक गईं. वारदातों में कौन मुलव्वस है ताहाल इस नतीजे पर नहीं पहुंच सके. आईजी सिंध एडी खाजा की मीडिया से गुफ्तगू. कहा हमलों की तहकीकात जारी है. पुलिस एहलकार सियासी दबाव में नहीं आएंगे. नून लीग में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं. नून लीग आज भी नवाज शरीफ की कयादत में मुत्तहिद है. राणा सनाउल्ला की वजाहत. कहा शेख रशीद परवेज इलाही और एहतजाज अहसन अपने हलके में भी नहीं जीत सके. परवेज इलाही जैसे लोटों की नून लीग में कोई जगह नहीं. बेरोजगारी और लोड शेडिंग साबिका हुक्मरानों के तोहफे हैं. कौम लोड शेडिंग के खात्मे के कारनामे को याद रखेगी. वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का बयान. कहा साबिक हुक्मरान वसाइल की लूट मार के बजाय बिजली बहरान के खात्मे पर तवज्जो देते तो मुल्क अंधेरों में ना डूबता. तरक्की के सफर में रोए अटकाने वालों को कौम कभी मुआफ नहीं करेगी. आयशा गुलाई की रुकनियत मंसूख करने का मामला. पीटीआई सियासी जमात है, प्राइवेट कंपनी नहीं. पार्टी में शामिल होने का तरीका है, छोड़ने का नहीं. इलेक्शन कमीशन में आयशा गुलाई के वकील का मौके दलाइल मुकम्मल.
इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रज़ाकाबाद में पासिंग आउट परेड, अहलकारों का शानदार तरबियत का मुजाहरा, एहतजाज करने वालों को मुंतशिर करने का अमली नमूना भी पेश किया। चार पर जिमनी इंतखाब का मार्का, इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज, गहमा गहमी उरूज पर। आज न्यूज की हल्का तहलका खसूसी ट्रांसमिशन, कारकुन अपनी जमातों की कामयाबी के लिए पुरुमी। मुल्कों की खुशहाली और आलमी मईशत का इनसार समंदर पर बढ़ रहा है, कोई मुल्क आबी हदूद के तहफ्फुज़ में अकेला किरदार अदा नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज की तकरीब से खिताब, कहा फोरम एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करने का मौका फराहम करेगा। आज इंसदादे पोलियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में पोलियो के मर्ज पर 99% काबू पाया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान, नाइजेरिया और अफगानिस्तान से पोलियो का खात्मा ताहाल मुमकिन नहीं हो सका। कुदरती वसाइल से माला माल बलूचिस्तान में करोड़ों टन कोयले के जखायर, लेकिन 2500 से जायद कोयला कानों में काम करने वाले मेहनतकश आज भी बेसरो सामानी में काम करने पर मजबूर। उन्होंने जानबूझ के ठेकेदारी निजाम भी दे दी, उनके पास इतने फैसिलिटीज है नहीं कि मजदूरों को देकर तहफुज उनका कर ले। वर्दी दिया जाता है सांस लेने के लिए, जो मशीनरी होता है वो इनको नहीं मुहैया किया जाता। चीनी सदर शी जिनपिंग पिछली चंद दहाइयों में मुल्क के ताकतवर तरीन लीडर करार, सदर शी जिनपिंग का नाम कम्युनिस्ट पार्टी के आईन में भी शामिल, 2300 मंदुबीन ने हुक्मरान जमात के आईन में